हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करेंगे, एंड जो हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चे हैं उनको इस चैनल पे सिर्फ अकाउंट्स एंड मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। अकाउंट्स की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट, यही अकाउंट्स का कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है? टॉपिक है सर आज का हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर अगर वेरिएंस की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, जहां पे थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, हैशटैग नंबर 17 टीवाई बीकॉम टीवाई बीएफ वाले बच्चों का सेम 6 में ये टॉपिक है, एंड हमारे एमकॉम वाले बच्चों का सेम 1 का ये टॉपिक है। क्लियर है सर? क्लियर क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन बता दो कौन से ईयर में था। मार्च 2011। और क्या मिस्टेक्स बच्चे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट रेट एंड इफिशियंसी वेरिएंसेस निकालना है। इस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट, पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो कितने यूनिट्स का डिटेल है आपको। तो सर 4 यूनिट्स का डिटेल हमको दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट्स का डिटेल हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए डिटेल क्या है वो बात करूं मैं, कितना एक्चुअल आवर, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स कितना देके रखा है सर, 24। स्टैंडर्ड रेट कितना देके रखा है सर, 18। क्लियर है? एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हो रहा है सर, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं 1800 यूनिट्स। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आगे का डिटेल और पढ़ लूं मैं। चलिए एक्चुअल आवर कितना लग रहा है सर, 10,500। और मैं आपसे रेट पूछता हूं 3.10 सर, मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा मेरा कॉस्ट। क्लियर है? क्या कॉस्ट आ जाएगा सर? बिल्कुल। चलिए कैलसी पे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालता हूं, 10,500 मल्टीप्लाई 3.10 32,550। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्या बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कुछ तो नया दिखा नहीं अभी तक हमको, ऐसा क्लियर है। ध्यान से देखो, 4 यूनिट और यहाँ पे 1800 यूनिट्स, इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड हमारा आएगा, कितने का सर, 1800 यूनिट्स का आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए रेट सर आपने बताया था, जो रेट यहाँ पे हो वही रेट आपका इधर भी रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। बट सर ये निकालना पड़ेगा कैसे, जब मैं 4 यूनिट्स की बात करता हूँ, वर्किंग नोट का पार्ट है आपका ये, 4 यूनिट्स के लिए कितने घंटे काम करने पड़ेंगे सर, 24। तो मैंने बोला उसी बेस पे आपका अगर 1800 यूनिट्स आपको बनाना रहेगा तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब तक तो ये कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा, क्रॉस कर लो आप, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। चलिए कैलसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड ले लो, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है सर, 10,800। क्लियर है? तो आपने लिख दिया। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। तो मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा सर, कॉस्ट निकाल दूंगा। क्लियर है क्या यहां तक हर एक बच्चे को? मुझे लगता है पूरा कंप्लीट, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? बिल्कुल। चलिए एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि जो बच्चे लेबर कॉस्ट वेरियंसेस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, और जल्दबाजी कर देते हैं, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हो गया वो मैं आपको बता दूं, क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, ये हमारी भी प्रॉब्लम थी। मिस्टेक्स क्या हुआ सर, जो हमें रेट दिया, ध्यान से देख लो, रेट दिया 18 पर यूनिट दिया है। क्या दिया सर? पर यूनिट दिया है। बट सर हमको यहाँ पे रेट किसका चाहिए, पर आवर का चाहिए भाई, यूनिट का थोड़ी काम है यहाँ पे, एक घंटे का कितना पेमेंट है वो बताना है हमको। बट यहाँ पे ध्यान देख लो, एक यूनिट का, ध्यान से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझना, एक यूनिट का कितना रेट है सर, 18 निकालना आपको एक घंटे का रेट है, कैसे निकलेगा सर, ये तो बहुत टेंशन वाला काम हो गया। तो हमको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक यूनिट का रेट है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत समझना, मैथ्स का बेसिक बहुत लगने वाला है। दिया गया एक यूनिट का इतना रुपीज है, तो एक घंटे का कितना सर, कैसे लॉजिक कैसे निकलेगा। तो अगर मैं ये पता कर दूं
ध्यान से देख लो, अगर मैं ये पता कर दूं कि एक घंटे में कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है तो सर इजिली आंसर आ जाएगा। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस उन्होंने कंफ्यूज थोड़ा सा आप लोग को किया। क्या बोल रहा हूं फिर से समझो, काफी बच्चों को नहीं समझा। चलिए इसका वर्किंग पार्ट थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं। क्या देखो यहां पे, चार यूनिट बनाने के लिए, फोर सही बना दूं भाई, फोर यूनिट्स बनाने के लिए मैंने पूछा आपसे कितने घंटे आपको लग रहे हैं, आप बोलोगे सर 24 घंटे। ध्यान से देखो, बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। चार यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे, तो मैंने बोला एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा। काफी बच्चों को तो भाई डायरेक्टली आंसर है, काफी बच्चे अभी भी नहीं समझे क्या पूछा गया। मैंने बोला चार यूनिट बनाने के लिए आपको 24 घंटे लग रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो काफी बच्चे समझदार हैं, 24 डिवाइड बाई 4 कर लिए, मीन 6 घंटे। कितना आएगा सर 6 घंटे, वर्किंग पार्ट है, वर्किंग पार्ट में ऑलरेडी इसी तरीके से लिखा भी जाएगा वर्किंग पार्ट, 6 घंटे। ध्यान से देखो अब लॉजिक समझो आप, 6 घंटे बराबर एक यूनिट, समझो कॉन्सेप्ट, 6 घंटे बराबर एक यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए तुमको 6 घंटे लग रहे हैं, मीन्स आपको 6 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब सर ना 6 घंटे का पेमेंट है ये 18 रुपए। क्यों सर, क्या लॉजिक, समझा नहीं हमको आपने क्या बोला। मैंने आपसे पूछा एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे, सर 6 घंटे, तो आपको ये जो रेट दिया सर एक यूनिट का ही तो रेट दिया है, एक यूनिट बराबर 18 रुपए दिया है, तो मैं बोल सकता हूं एक यूनिट 6 घंटे में बनता है, जिसका मतलब 6 घंटे की पेमेंट आपको दिया है, 6 घंटे का 18 रुपए पेमेंट, तो एक घंटे का कितना पेमेंट होगा सर, सिंपल है, डिवाइड करूंगा 3, 6 3 18 होता है ना भाई, 6 3 18, तो वैसे देख के लग रहा है ना 6 घंटे का 18 रुपए पेमेंट, एक घंटे का कितना सर, डिवाइड कर दो या 6 3 18 पढ़ लो तो, बट आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब 3 रुपीज 3 पर आवर। यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे को अभी भी नहीं समझा वीडियो थोड़ा सा रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यह रेट आपने गलत लिया है। और वैसे भी दूसरा लॉजिक है कि आप ना सिंपल सा रेट थोड़ा मैच कर लिया करो, रेट में कभी भी इतना डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ये 3 है ये 18 चले जाएगा, 3 है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 है 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, अब इतना डिफरेंस नहीं होगा, 3 है तो 18 हो जाएगा। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट निकाल लो, अब 10,800 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आएगा सर, 32,400। और यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना, जिस बच्चे को नहीं समझा होगा वीडियो रिपीट करना, अदरवाइज कल की जो हमारी फिर से वीडियो आने वाली ना उसमें भी यही टॉपिक चलेगा, यही सिमिलर ही, बस नंबर्स कुछ अलग हो जाएंगे, बट मेथड हमारा सेम होगा, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही नेक्स्ट वीडियो भी रहेगी। क्लियर है सर, बिल्कुल। आपका मैंने बोला था ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको आ गया तो आगे की कहानी आप लोग खुद से कर सकते हो। क्लियर है, जिस बच्चे का हो जाता है ना तो आप वीडियो रोक दिया करो, कर लिया करो टॉपिक्स, फिर आंसर मैच कर लिया करो, सीधा सा ये लॉजिक है। क्लियर है सर, बिल्कुल। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। मैंने पूछा रेट का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर। इफिशियंसी की बात किया सर, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सोचा था 32,400 कॉस्ट लगेगा, बट लगा सर 32,550 है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो कोई भी बता देगा सर लॉस हुआ है, 32,400 मैंने सोचा था बट लगा सर 32,550 है। चलिए माइनस कर दो कितने आया सर डिफरेंस, आ रहा 150 एडवर्स आ रहा है आपका, 150 का एडवर्स आया, लॉस हुआ। क्लियर है सर। रेट की बात करें, रेट सोचा था सर 3 बट लगा है 3.10, लॉस हुआ सर 3 माइनस 3.10, बट एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल कितना सर 10,500, माइनस किया 0.10 मल्टीप्लाई 10,500 किया, तो फाइनल आंसर कितना आया सर 1050 एडवर्स आ रहा है, क्या है आपका एडवर्स आया। क्लियर है, क्लियर। चलिए आपने सोचा था कितने घंटे लगेंगे सर 10,800, बट लगा कितना 10,500, यहाँ पे तो बेनिफिट मिल रहा है 10,800 घंटे लगेंगे, ये मैंने सोचा था, बट लगा कितना सर 10,500, कितने घंटे का बेनिफिट मिला सर 300 घंटे देख के लग रहा है, 300 देख के लग रहा है सर, रेट क्या सोचा था मैंने 3, तो ये भाई आपका आ गया 300 मल्टीप्लाई 3 3 3 आपका 9 होता है, 900 आपका फेवरेबल है।
चलो आंसर मैच कर लेते हैं, क्या चल रहा है सर? 1050 आपका एडवर्स, 900 फेवरेबल, एडवर्स में से फेवरेबल माइनस किया सर, 150 का एडवर्स आ रहा है, 150 एडवर्स आ रहा है, आंसर यहां पे मैच किया, बराबर चल रहा है। इसीलिए बोला जाता है वेरिफिकेशन आप लोग कर लिया करो, वेरिफिकेशन अगर आप लोग कर लेते हो तो आंसर आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा आज के सब की अगर मैं बात करता हूं कॉमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही भाई, आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर हुआ होगा या फिर थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको इस चैनल के थ्रू मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहा करो, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और लास्ट हमारी एक रिक्वेस्ट है चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर कर दो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए एंड हमारे लिए दोनों के लिए भी, क्योंकि चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक बच्चा जो किसी भी सब्जेक्ट के सीरीज के साथ जुड़े तो किसी और चैनल पे किसी टॉपिक के लिए उनको जाना ना पड़े। जो टॉपिक मैं आपको करा के दे रहा हूँ, जो सब्जेक्ट करा के दे रहा हूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दे दो। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 18 हैशटैग, जिस बच्चों को हैशटैग 17 अभी भी बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं समझा तो पहले बोला था वीडियो रिपीट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बट अभी भी नहीं समझा तो हैशटैग नंबर 18 भी देख लेना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करा के देने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।